नमस्कार दोस्तों, मैं लोक बहादुर थापा ब्लॉग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं एक हेल्दी ड्रिंक और वाटरमेलन शेक बनाने जा रहा हूँ, आइए बनाते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने कढ़ाई में पानी डाल रखा है, थोड़ा सा 2 से 3 चम्मच पानी उबल रहा है। इसमें हम डालेंगे 1.5 किलो दूध। ठीक है, आप दूध कोई भी ले सकते हैं, मैं मदर डेयरी का काउ मिल्क ले रहा हूँ। पानी डालने से नीचे ये होता है कि आपका दूध नीचे चिपकेगा नहीं। ठीक है जी, दूध गर्म होगा तो नीचे लगेगा नहीं आपका कढ़ाई में, इसीलिए थोड़ा सा पानी डाल दीजिएगा, ज़्यादा नहीं, 1 से 1.5-2 चम्मच के आसपास पानी डाल दीजिएगा। पानी उबलने के बाद दूध डाल दीजिएगा। गैस आपको तेज़ रखना है। मैं 1.5 किलो दूध का बना रहा हूँ, आप जितना भी दूध ले सकते हैं, कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, मैंने सारा दूध कढ़ाई में डाल दिया है, अब इसको थोड़ी देर हम पकाएंगे, इसको उबाल आने देंगे। देखिए दोस्तों, हमारा दूध उबल चुका है, देखिए दूध में उबाल आ गया है। अब मैं इसमें डाल रहा हूँ 150 ग्राम चीनी, क्योंकि 1.5 किलो दूध है तो 150 ग्राम चीनी चाहिए इसको मीठा होने के लिए। कम से कम अपना स्वाद अनुसार थोड़ा बड़ा घटा सकते हैं, हम इसको डाल देंगे और 5 मिनट हम इसको पकाएंगे। जब तक चीनी नहीं घुल जाता पूरी तरह, तब तक हम इसको पकाएंगे। दूध हम गर्म इसीलिए कर रहे हैं कि अगर हम कच्चा दूध लेते हैं तो पेट खराब होने का ज़्यादा खतरा रहता है, तो पकाने से दूध बढ़िया होता है, तो इसीलिए हम इसको उबाल रहे हैं। ठीक है जी, इसको हम 5 मिनट और पकाएंगे, जब तक चीनी नहीं घुलता है तब तक। देख लीजिए, 5 मिनट हो गए हमने इसको पकाते हुए, चीनी पूरी तरह घुल गया है, दूध बढ़िया से पक चुका है। अब हम इसको उतार देंगे और कम से कम 1 से 1.5 घंटा हम इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। देखिए दोस्तों, हमने दूध उबाल के रखा था, चीनी और दूध, दूध हमारा बिल्कुल ठंडा हो गया है। 1 से 1.5 घंटा हमने रख दिया इसको ठंडे जगह के लिए। देखिए, वाटरमेलन ऐसे चॉप कटिंग करना है आपको, इतना वाटरमेलन चॉप करिएगा, ये बिल्कुल बारीक बारीक ऐसे चॉप करना है आपको। ये देख लीजिए, इस तरह से कटिंग करना है इसको। ठीक है जी, ये बादाम है, बादाम को आपको कम से कम 6 घंटा भिगा के रखना है, तब जाके ये फूल जाता है। फूलने के बाद आपको इसको छिलका उतार के रखना है, और काजू को भी भिगाना है, कम से कम 1.5 से 2 घंटे काजू को भी भिगाने हैं, तब आपको लेना है। मैंने थोड़े इसमें से काजू, बादाम और अखरोट ऐसे देखिए बारीक बारीक काट के रखे हैं गार्लिश के लिए, और सब्जा ये देखिए, सब्जा मैंने भिगा रखा है, इसको आप 15 मिनट में भिगा देंगे तो ये भीग जाएगा। और मैंने लिए 4-5 दाने इलायची के। अब हम मिक्सी में डाल देंगे इसको, ये देखिए बादाम डाल दिए, ये जो हमने काजू भिगा के रखे थे ये भी डाल दिए, और हम इसमें भी इलायची साबुत डाल देंगे। इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा दूध, ये जो हमने, ये देखिए, ज़्यादा नहीं डालना है दूध, थोड़ी डालना है आपको दूध, ताकि पीस जाए बढ़िया से। देख लीजिए, इतना दूध डालेंगे हम और इसको हम पीस देंगे। देख लीजिए, हमने पीस लिया है, पीसने के बाद ये देखिए ऐसा पेस्ट बनता है। ज़्यादा गाढ़ा हो जाए तो आप थोड़ा दूध डाल सकते हैं। ठीक है जी, इसमें तो दूध डाल के पीस लीजिएगा, ये देखिए बिल्कुल मतलब गाढ़ा बन गया है। हम इसको डाल देंगे सीधा, हम इसमें डाल देंगे जो दूध हमने उबाल के गर्म और ठंडा करके रखा है, उसमें डाल देंगे। ये देख लीजिए, इसको हमने डाल दिया। अब हम इसी जार में डालेंगे थोड़ा वाटरमेलन, आधा डालेंगे हम इसका वाटरमेलन। ठीक है जी, देख लीजिए हमने आधा डाला वाटरमेलन। अब इसमें हम ऐड करेंगे फ्लेवर के लिए रू अफजा, करीब बड़े 2 चम्मच से 3 चम्मच हम डाल देंगे इसमें रू अफजा, और इसको भी हम पीस देंगे। देख लीजिए, इसका भी जूस बन गया है वाटरमेलन और रू अफजा का। ठीक है जी, इसको भी हम इसमें ऐड कर देंगे। ये देख लीजिए, अब देखिए इसका कलर कितना बढ़िया आया, बहुत ही हेल्दी और स्वादिष्ट है ये, और बहुत एनर्जी भरा। जब आप धूप से आएंगे इसको ठंडा ठंडा लेंगे। अब इसमें डाल देंगे हम 3 चम्मच के आसपास सब्जा जो हमने भिगा रखे थे। अब हम इसमें ऐड करते हैं जो हमने ड्राई फ्रूट काट के रखे थे, काजू, बादाम, अखरोट। ठीक है जी, ऐसे बारीक बारीक काट के ये भी आप ऐड कर दीजिए इसमें। देख लीजिए, जो हमने वाटरमेलन बचाया था लास्ट पे, ये देखिए ये, इसको भी हम इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है जी, अब देखिए जी कितना बढ़िया बना है ना, देख लीजिए कितना स्वादिष्ट, टेस्टी और एनर्जी भरा है। ये बहुत ठंडा होता है, ठीक है जी, वाटरमेलन भी बहुत ठंडा होता है और बहुत एनर्जी भरा होता है। देख लीजिए कितना बढ़िया आ गया। अब इसमें हम ऐड करेंगे आइस। देखिए, जब भी आप सर्व करें थोड़ा सा रू अफजा को ऐसे करा लीजिएगा। ठीक है जी,
इसमें ये एक चम्मच सब्जा जो भिगा के रखा है, ये बहुत बढ़िया होता है। देख लीजिए, एक एक क्यूब आइस का डाल दीजिए इसमें, ठीक है जी। एक एक क्यूब आइस डाल दीजिए। ये हमने जो दूध बनाया था इसमें हम बर्फ़ भी डाल सकते हैं, आपको ज़्यादा ठंडा पीना है तो इसमें बर्फ़ डाल लीजिएगा। ये देखिए, बर्फ़ भी आप डाल सकते हैं। हमने बर्फ़ भी डाल दिया है, एक एक क्यूब हमने गिलास में डाला है। अब हम देखिए ऐसे सर्व करेंगे। ये देख लीजिए, देखिए दोस्तों हमारा शेक बनके बिल्कुल तैयार हुआ है। आप भी बनाइएगा, पीजिएगा और कैसा टेस्ट आया हमें कमेंट करिएगा। हमारा चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हमारी पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।